तो कई बार हम लोग इन भावों से भरे होते हैं, विफलता का भय जैसे है उससे भरे होते हैं। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि मन में बैठ गया कि सिलेक्शन नहीं होगा और एकदम उत्साह खत्म, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लुंज पुंज पड़े हुए हैं। सुबह उठे, क्या टाइम हुआ भाई? किसी ने 11 बज गए। ठीक है, कब उठोगे? एक बार 2 बजे पूछ लेना उठना है कि नहीं उठना। फिर 2 बजे लंच आ गया, भी खा लो, अरे छोड़ो शाम को देखेंगे। मन नहीं कर रहा, उठे ऐसे लटकते हुए जा रहे हैं, थोड़ा कहीं चेहरा वेरा धोया, फिर आए लुंज पुंज, फिर पड़ गए। पढ़ते हो, पढ़ाई से क्या होता है? अभी उत्साह नहीं, थोड़ी सैरी कर रहा, ठंड है बाहर। ये जो मनस्थितियां होती हैं ऐसी भी होती है, और कभी कभी इसका रिवर्स होता होगा, और जो रिवर्स होता है आपका मन करता है हमेशा वही स्थिति आपके साथ रहे, जो कि संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। अरस्तु ने कहा कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इन नकारात्मक भावों को अगर मन से बाहर निकाल दें। सोचिए, ये आपका हार्ट है, मान लीजिए आपका दिल है, और दिल में ये वाले भाव भी हैं, ये वाले भाव भी हैं। ये भाव हावी होते तो अच्छा लगता है, ये हावी हो तो खराब लगता है। अरस्तु ने कहा कि अगर कोई ऐसा तरीका हो ना कि इन भावों को बाहर निकाल दे और वही भाव रह जाए, कितना अच्छा हो, मजा ही आ जाए। नकारात्मक भावों को मन से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही कैथारसिस है। तो ट्रेजेडी लेखन का उद्देश्य है पाठक का कैथारसिस करना, या प्रेक्षक, प्रेक्षक कौन होता है? जो नाटक देख रहा हो, ऑडियंस, ऑडियंस का कैथारसिस करना या विरेचन करना त्रासदी का उद्देश्य है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब देखिए, भाव के बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि भाव व्यक्त हो जाए। भाव व्यक्त करने में खतरे हैं, जैसे किसी को अपने बॉस से बहुत दिक्कत है ऑफिस में, और उसके मन में बार बार आता है बॉस को देख के, उसके मन में 5 गालियां आती है मजबूत किस्म की, बॉस के, बॉस को देखते ही, उसके बारे में सोचते ही 5 भारी भरकम गालियां मन में आती हैं। उसको पता है कि अगर दे दी गालियां तो नौकरी चली जाएगी, नहीं दी तो मैं कुंठित हो जाऊंगा। तो विरेचन कैसे हो? इसका तरीका क्या है? बॉस की फोटो खींच लो और अपने घर में एक पुतला बनाओ। टीचर पे भी ऐसा कर सकते हैं आप लोग, जिस जैसे तबाही हो उस सब पे कर सकते हैं। तो टीचर से दुखी हो तो उसका पुतला बनाओ घर पे, उसकी फोटो कहीं से लाकर चिपकाओ उसे चेहरे पे। पंचिंग बैग खरीद के लाओ। पंचिंग बैग समझते हैं? जो बॉक्सर्स इस्तेमाल करते हैं कि बैग को मारा मुक्का, बैग वापस आ जाता है पिटने के लिए फिर से, वरना कहां तक जा जाके मारेंगे उसको, खुद ही आना चाहिए पिटने के लिए वापस। और फिर आपने बॉस को या टीचर को, या पेरेंट्स तो आमतौर पर नहीं होते होंगे इसमें, लेकिन कोई फूफा टाइप का आदमी हो सकता है उसमें, या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं उसमें, अपने ना हो तो इसके पेरेंट्स होंगे, और फिर मुक्केबाजी का, तलवारबाजी का अभ्यास कीजिए वहां पर, दे दरारा दे दरारा, और साथ में उच्चारण भी करना है, खाली मुक्के से नहीं होगा। जब उच्चारण के साथ क्रियाएं करेंगे तो मन बड़ा हल्का हो जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर दीक्षित, दे मुक्का। अब आज जो तसल्ली मिलेगी ना, वो तसल्ली कभी नहीं मिली होगी, और 20-25 मुक्के मार के ऐसी लात मारो कि बुरता नीचे गिर जाए पुतला, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ के उसको मारो कस कस के, ये वो मुक्का, बहुत गुस्सा है, आग लगा दो उसको, फाइनली खत्म। और फिर आप कहेंगे अब जाके शांति मिली। ये जो हुआ है इसको विरेचन कहते हैं। नकारात्मक भावों से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि वो व्यक्त हो जाए, पर आपने वास्तविक जीवन में व्यक्त कर दिए तो चीजें बिगड़ जाएंगी। जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत के लोग पाकिस्तान से बहुत नाराज है अज्ञात कारणों से, जबकि वो जानते नहीं उनको। हम पाकिस्तान के लोगों को जानते नहीं है पर हमसे नाराज है, वो हमसे नाराज है, वो हमें नहीं जानते हैं पर हम नाराज हैं आपस में, क्योंकि देश के हुक्मरान चाहते कि नाराज रहे हम लोग। बीच बीच में युद्ध का मूड बन जाता है,